So hi, welcome back on my YouTube channel. So this video going to be very helpful for those who are doing dieting but not able to getting success in losing weight. आपने बहुत सारी videos देखी होंगी जहाँ पर सब बात कर रहे हैं weight कैसे lose करें, पर बहुत कम video होंगी जहाँ पर ये बात की जा रही होगी कि weight कम क्यों नहीं हो रहा है. हम dieting कर रहे हैं, लेट्स से आप वर्कआउट कर रहे हैं, पर स्टिल वेट कभी कभी स्टेगनेंट हो जाता है. वो एक फिगर से नीचे ही नहीं है जाता है. देयर कुड बी सम रीज़न, और आज हम उन रीजन्स के बारे में बात करने वाले हैं. सो तो वो एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से आपका वेट कम नहीं हो रहा है, आपका कम पानी पीना. बहुत बार हम अपने डेली रूटीन में पानी पीना भूल जाते हैं, और डिहाइड्रेशन जब बॉडी में होता है तो वेट कम होने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो अगर आप अपना डाइट कर रहे हैं, मेक श्योर आप प्रॉपर पानी पी रहे हैं, आप 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हैं. और आई अंडरस्टैंड हम डेली रूटीन में ये सब भूल जाते हैं, तो आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. आप उनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको आपका पानी पीने का रिमाइंडर देता रहेगा. आई अंडरस्टैंड ये सब बातें शायद जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको पहले से पता होंगी, लेकिन कभी कभी रिमाइंडर रिक्वायर्ड होता है. सो आज वो सब बातें मैं आपको याद दिलाने वाली हूँ. सो लेट्स गो फॉर द सेकंड रीज़न. सो जो सेकंड रीज़न हो सकता है, आपका प्रोटीन कम खाना. राइट, जनरली हम अपने हमारे घर में जो रेगुलर फूड बना होता है हम उसी के थ्रू डाइटिंग करने की कोशिश करते हैं. स्पेशली जितनी भी फीमेल हैं वर्किंग या हाउसवाइफ जो भी हैं, बहुत मुश्किल होता है अपने लिए अलग से खाना बनाना. तो आप जितना कोशिश करिए कि आप जितनी भी मील ले रही हैं उसमें ट्राई करिए खोजने का कि क्या आपकी उस थाली में थोड़ा सा भी प्रोटीन है, और कोशिश करिए आपका जितना वेट है आप उतना प्रोटीन लें. सो एक कम क्वांटिटी में प्रोटीन खाना भी आपका वेट लॉस ना होने का एक रीज़न हो सकता है. वो हो सकता है आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम. कभी कभी कम खाने की वजह से या कुछ हम ऐसा खाना खाते हैं या किसी भी रीज़न से हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, उस केस में भी आपका वेट आपके वेइंग स्केल पे कम नहीं दिखाई देता. तो मेक श्योर आपका कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको आपका पेट साफ रहे. आप इसका अगर इस देखो ये सब चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं. अगर आप रेगुलर वाटर पियोगे, अगर आप 3-4 लीटर पानी पियोगे, बहुत कम चांसेस होंगे कि आपके कॉन्स्टिपेशन हो. तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आप डाइटिंग कर रही हैं या वर्कआउट कर रही हैं तब भी आपका वेट आपको वेइंग स्केल पे कम दिखाई नहीं देगा. तो मेक श्योर आप ऐसा अपना खाना खाएं या अपने पेट का ध्यान रखें कि वो रेगुलर क्लीन रहे. फोर्थ रीज़न जो आपका वेट लॉस ना होने का हो सकता है, वो हो सकता है आपका बहुत कम खाना खाना. कभी देखिए आपका मेटाबॉलिज्म वेट लॉस के लिए आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस होना चाहिए. अगर आप बहुत कम खाते हैं या आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, दोनों ही केस में वो इम्बैलेंस हो जाता है. तो जब वो इम्बैलेंस होगा तो ऑफकोर्स आपका वेट डाउन होने में प्रॉब्लम होगा. तो आप ध्यान रखिए कि आप इतना कम भी मत खाइए कि आपका मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो जाए जिससे आपका वेट लॉस होने में बहुत इशू होगा. आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना खाना बहुत ज़रूरी है. उससे कम अगर आप खाएंगे तो भी आपको वेट लॉस करने में प्रॉब्लम होगी. सो फिफ्थ रीज़न हो सकता है आपका वेट लॉस ना होने का, इमेजिन आप बहुत डाइट कर रही हैं, आप वर्कआउट भी कर रही हैं, लेकिन आपका शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है. तो ट्रस्ट कीजिए वेट लॉस करना आसान नहीं होगा. तो आप कोशिश करिए कि आपका शुगर, वाइट शुगर आप जैगरी पाउडर से रिप्लेस कर दें. आई डोंट नो इस बात में कितना सच है, पर मैंने कहीं पे एक आर्टिकल पढ़ा था कि अगर आप 1 वीक के लिए अपना वाइट शुगर इंटेक एकदम बंद कर देते हैं तो इवन अगर आप डाइट भी नहीं करेंगे तो भी आपका वेट लॉस 1 से 1.5 किलो एक हफ्ते में हो सकता है. मैंने ये अपने ऊपर नहीं ट्राई किया है, मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जो मैंने आर्टिकल में पढ़ा है. लेकिन हाँ, वाइट शुगर को अगर आप जैगरी से रिप्लेस करेंगे आई एम श्योर आपका वेट ज़रूर कम होगा. तो हो सकता है आपको ये सारी बातें पहले से पता हूँ, लेकिन कभी कभी हम ये सब भूल जाते हैं. तो ये वीडियो थी आपको ये सब बातें रिमाइंड कराने के लिए. और एक चीज़ और, वेट लॉस होना एक प्रॉपर जर्नी है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता. तो आपको ये जर्नी को पास करना है. डे ओवरनाइट कुछ चेंजेस नहीं आने वाले. तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट खुश रहिएगा और कॉन्फिडेंट रहिए. अगर आप खुश और कॉन्फिडेंट रहेंगे
तो भी कुछ ऐसे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं जो वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं। सो स्ट्रेस मत लीजिए, रिलैक्स रहिए और अपनी वेट लॉस जर्नी को इन्जॉय कीजिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं और भी कुछ मज़ेदार वीडियोज़ लेके आऊँगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय। एक और रीज़न हो सकता है वेट लॉस ना होने का, वो है बहुत सारा पैकेट फूड खाने का। बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो बोलते हैं ज़ीरो फैट या फिर रेडी टू लाइक इजी मेक पोहा आता है या उत्पम आता है जिसमें सिर्फ गर्म पानी डाल लिए और वो बन जाता है। ये जो पैकेट फूड्स हैं इनको आप अवॉइड करिए, रेगुलर घर का बना खाना ही खाइए वेट लॉस करने के लिए। ये जो पैकेट फूड्स होते हैं इसमें कुछ ना कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते ही हैं जो रीज़न हो सकते हैं आपके वेट इंक्रीज होने का। इसके साथ ही सॉसेस होती हैं, ये सब आप बंद करिए खाना तो बहुत इजीली आपका वेट लॉस होगा। चाहे आपको ये सारी बातें पहले से पता हो लेकिन कभी कभी हम ये सब भूल जाते हैं, तो ये वीडियो थी आपको ये सब बातें रिमाइंड कराने के लिए। और एक चीज़ और, वेट लॉस होना एक प्रॉपर जर्नी है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। तो आपको ये जर्नी को पास करना है, डे ओवरनाइट कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट खुश रहिएगा और कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप खुश और कॉन्फिडेंट रहेंगे तो भी कुछ ऐसे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं जो वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं। सो स्ट्रेस मत लीजिए, रिलैक्स रहिए और अपनी वेट लॉस जर्नी को इन्जॉय कीजिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं और भी कुछ मज़ेदार वीडियोज़ लेके आऊँगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय।